मिठाई तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने सिर्फ घर पे रखे हुए बिल्कुल बहुत लिमिटेड सामान से मिठाई बनाई है? तो आज मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों से, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से ये एक स्पेशल ऐसी मिठाई बनाना बताऊंगी जिसे आप नॉर्मल भी खा सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं और कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये दिखाती हूँ, सॉफ्ट देखिए कितनी बनी है, और यकीन मानिए ये सिर्फ दो चीज़ों से बनी है, तो बहुत ही अमेजिंग सी बनी है। मैंने आज बनाई है नारियल की बर्फी। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाती है कि बस क्या कहने, और खाने में तो खैर इसका कोई जवाब ही नहीं। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आइए देखते हैं कि बहुत टेस्टी सी मिठाई को कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो गाइस इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाइए, ठीक है? तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीनी ली है। तो जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डाल दिया कढ़ाई में। तो सेम कटोरी से मैंने हाफ कटोरी यहाँ पे पानी लिया है, तो वो भी हम इसमें मिला देंगे। और अब हम इसकी एक चाशनी तैयार करेंगे, ठीक है? तो अभी हम इसको पहले अच्छे से हिला लेते हैं। तो ये देखिए, हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। तो हम यहाँ पे चीनी को मेल्ट कर लेते हैं और इसे अच्छे से पहले कुक कर लेंगे, ठीक है? तो चीनी वैसे तो मेरी बिल्कुल साफ है, लेकिन हो सकता है कहीं पे कोई इसमें थोड़ा सा कचरा आ जाता है कभी कभी, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से, बहुत ही एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप इसका कचरा किस तरह से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इसमें कोई कचरा नहीं है और अभी हम इसको पहले बहुत अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, ठीक? तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे चीनी बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है और मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखा है और बहुत अच्छे से इसको अभी हम कुक करेंगे। तो एक चीज़ मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, इसको साफ़ करने की ट्रिक, मेरी चीनी बिल्कुल साफ़ है जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें कोई कचरा नहीं है। लेकिन कभी अगर आपकी चीनी इस तरह से गंदी निकल जाए तो आप क्या कीजिए, 2 चम्मच दूध ले लीजिए। कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ 2 चम्मच दूध लेना है और इसमें डाल देना है। तो जब भी इस तरह से आप दूध डाल देंगे तो वो सारा कचरा, ये बबल्स जो निकल रहे हैं ना ऊपर, उनके साथ किनारे आ जाएगा। हमेशा ये ट्रिक हलवाई इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा छानने की करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कचरा किनारे आ जाएगा आप उसे चम्मच की मदद से निकाल लीजिए। इसको हमने एक तार की चाशनी बनानी है, तो जब तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है कुक करने के लिए, तो ये कुक होता रहेगा और बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूंगी, ठीक है? तो तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे और तैयारी कर लेते हैं। आइए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक गोला ले लिया है जिसे मैंने चाकू से काट लिया है और ये इस तरह से मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। तो अब हम इसको, या तो आप चाहें तो इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से बारीक बारीक छोटे छोटे पीस करके इसको ग्राइंड कर लूंगी। उससे क्या है, इसका बहुत अच्छा सा एक मतलब पाउडर सा बन जाएगा, उससे बर्फी जो बनेगी हमारी वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। मेरा गोला ना कल मैंने कट करके रखा था, तो ये 10-12 घंटे बाहर रहा कट करके, तो इस वजह से थोड़ा सा ये काला पड़ गया है, वैसे ये ख़राब नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने सारा कट कर लिया है और थोड़ा सा बुरा मेरे पास इसका पहले से भी रखा हुआ है, जिसे मैंने पहले ग्रेट करके रखा था किसी और रेसिपी के लिए, ठीक है? तो मैं ये भी इसमें सारा ग्राइंड कर दूंगी। तभी मैंने एक छोटा गोला लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से क्रश किया हुआ रखा हुआ है। तो अब तो यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया है और अब क्या करूंगी, मैं इसको इसमें डाल दूंगी। तो इसको जब मैं पीसूंगी तो साथ ही साथ मैंने कुछ बादाम लिए हैं, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत बढ़िया इसका फ्लेवर आता है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, अब मैं ये सारा इसमें डाल देती हूँ और इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। तो बादाम भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और बादाम मैं इसमें बाद में भी थोड़ा सा मिलाऊंगी, इसलिए मैंने अभी इसमें थोड़ा सा मिलाए हैं, ठीक है? तो मैं आपको इसका पाउडर बना के दिखाती हूँ। चलिए, तो ये देखिए, मैंने इसका बढ़िया सा एक दरदरा सा पाउडर सा बना लिया है, ठीक है? बहुत ज्यादा एकदम फाइन नहीं किया है, लेकिन हल्का हल्का दरदरा है, क्योंकि खाते समय जब बीच में इसके पीसेस टाइप के आते हैं ना हल्के हल्के से, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है? और अब मैं बाकी का बचा हुआ गोला भी आपको इसी तरह पाउडर बना के उसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितना सारा ये पाउडर का बूरा बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से अब मैं इसको मिला लूंगी सारा, क्योंकि नीचे बादाम वाला पाउडर है और ऊपर से मैंने प्लेन डाला था ना, तो अब इसको पहले इक्वल कर लेते हैं। चाहे हाथ से मिलाएं चाहे चम्मच से मिलाएं, आपको जैसे इजी लगे आप उसे कर सकते हैं। और कढ़ाई में जो मैंने चाशनी बनाने के लिए रखी थी वो भी रेडी हो चुकी है।
तो चलिए अभी मैं आपको उसकी भी एक पहचान दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। आइए चलिए देखते हैं। तो ये देखिए चाशनी को मैंने अब बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है और अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से करछी ली है और इसकी एक बूंद यहाँ पे मैं इसको टपका दूंगी, ठीक है। और अब मैं इसको 2 मिनट ठंडा होने देती हूँ। तो ये ठंडा हो चुका है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये उंगली में लिया और इस तरह से आपने इसको ये तार बनाना है, आपको दिख रहा होगा इसमें तार बन रहा है ना। तो हमें इसी तरह से ये एक तार की चाशनी चाहिए। ये देखिए ठंडा होके पता चल रहा है बिल्कुल बढ़िया से, ऐसे ही हमें इसकी चाशनी ये तैयार हो चुकी है, ये पता चल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये चाशनी अभी गर्म है तो इस गर्म चाशनी में ही हम ये सारा पाउडर इसमें डाल देंगे और इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। ये बहुत जल्दी जम जाता है इसलिए इसको फटाफट मिक्स कर लीजिए, क्योंकि चाशनी बिल्कुल तैयार है ना, और जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो ये जम जाएगी, इसलिए इसको इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये हार्डली 100 ग्राम के आसपास मैंने खोया लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो डालिए वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो खोया डाल के भी मैं इसको थोड़ा सा गैस को अब जला देती हूँ हल्का सा, और इसे हम बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो खोया बिल्कुल तैयार है तो ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खोया बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैंने क्या किया है, एक थाली ली है और उसमें मैंने देसी घी डाला है। तो इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करें, और ये जैसे खोया इसमें मिक्स हो गया है ना, तो थोड़ा सा मैं इसमें 1 चम्मच करीब देसी घी इसमें भी डाल दूंगी। इससे क्या होता है, जब बर्फी बन जाती है ना तो टूटने में आसानी रहती है, मतलब जैसे कि जब हम इसको कट करते हैं तो कट करने में हमें बहुत इजी रहती है, ठीक है। तो अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थाली हम ग्रीस कर रहे हैं और इसको हम ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं वरना ये जम जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए घी भी पूरा अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है और इतनी बढ़िया सी इसमें से बादाम और गोले की खुशबू आ रही है ना कि क्या कहने। और इसी भी चाहें आप इसमें थोड़ा सा जैसे इलायची पाउडर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद हो तो डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने नहीं डाला है। तो ये मैंने थाली यहाँ पे नीचे निकाल दी है और अब हम इसमें ये सारा जितना बर्फी का हमने ये बैटर सा बना रखा है इसे इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको बहुत अच्छे से पहले इस थाली में सेट कर देते हैं। फटाफट कर लीजिएगा क्योंकि फिर ये जम जाता है ना तो फिर दिक्कत करती है, ठीक है। तो हम इसको पहले बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। तो जितनी मेरे पास क्वांटिटी थी और जितनी इसकी मुझे मोटाई चाहिए थी मैंने उस हिसाब से इसको पूरा सेट कर दिया है। और अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बर्फी आप व्रत में खाइए चाहे वैसे ही बना के खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और सिंपल इतनी है कि इसमें कुछ सामान की ज़रूरत ही नहीं है अगर देखा जाए तो, फालतू है ना। तो आप इसमें जैसे खोए को भी स्किप कर सकते हैं जो मावा मैंने डाला है, ड्राई फ्रूट स्किप कर सकते हैं, तो मात्र चीनी और गोले से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा इस तरह से दबा लेंगे हल्का हल्का ताकि इसमें जम जाए और सेट हो जाए। और फ्रिज में रखने से पहले मैं क्या करूँगी, इसको एक चाकू से इस तरह से जितने बड़े मुझे पीसेस चाहिए ना, तो ये देखिए अभी ये बहुत सॉफ्ट है तो इस तरह से इनको हल्का हल्का शेप दे दूंगी। सिर्फ शेप देना है, कट नहीं करना है आपने, ठीक है, कट नहीं करना है क्योंकि अभी कट करेंगे तो ये निकलेगी नहीं। शेप देने से क्या होगा, जब ये सूख जाएगी ना बिल्कुल ड्राई अच्छे से हो जाएगी तो हमें इसको निकालने में बहुत आराम रहेगा। तो उस समय हम इसको प्रॉपर कट करेंगे तो कट करने में बहुत आराम रहेगा, ये आड़ी तिरछी नहीं कट होगी, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें एक शेप दे दिया है, तो ये देखिए, ठीक है। और अब हम इसको पूरा बर्फी नुमा जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से हम इसमें कट कर लेते हैं, हल्का हल्का इसी तरह से शेप से तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको एक बहुत बढ़िया से बर्फी का शेप दे दिया है और अब मैं आपको इसको 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ, तब तक ये बिल्कुल परफेक्ट जम के तैयार हो जाएगी। चलिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पूरे 1.5 से 2 घंटे के बाद दिखा रही हूँ और ये बर्फी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें उसी खांचे में जो हमने इसमें हल्का सा निशान सा लगाया था उसी के ऊपर हम इसको थोड़ा टाइटली दबा देंगे ताकि ये कट करने में बहुत आराम से कट जाए, ठीक है। ये देखिए कितने आराम से कट रहा है ना। तो इसीलिए मैंने पहले इसमें सिर्फ निशान लगा के रख दिए थे
ताकि हमें बाद में इसको कट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने आराम से ये निकल रही है। आप देख पा रहे होंगे नीचे बिल्कुल नहीं चिपकी है, और ये बर्फी इस तरह से, ये देखिए बैक आप इसकी देख सकते हैं, फ्रंट आप देख सकते हैं, कितने बढ़िया से इसका ये पीस बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, नॉर्मल भी खा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये कितने कम सामान में बनी है। और कुछ सामान इसमें ऐसा है कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना यूज़ करें तब भी चलेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर मावा नहीं डालेंगे तो ये सिर्फ चाशनी और गोले से भी बन जाती है, कुछ भी नहीं आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलाना है। और आप इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से बनी है, और ये देखिए कितने बढ़िया से इतनी सॉफ्ट बनी है ना। तो बहुत ही अमेजिंग बनी है, टेस्ट में तो खैर इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।